लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे खिलौने, रमैया ये खिलौने कौन लाया है? मैं लाया तुम्हारे बेटे के लिए। तुम? शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? तुम्हारी जुदाई का गम लिए भटक रहा था, मालूम हुआ कि तुम यहाँ, बस चलाया। चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी? लेकिन मुझे लगेगी देर, जरा हाले दिल सुनाने में। रमैया! वो मेरे लिए चाय बना रही है, घर में और कोई नहीं है। सच कहता हूँ मधु, बहुत पछतावा है। उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ न सका, मुझे माफ कर दो मधु। वो मधु मर चुकी है। समझ लो कि वो कैलाश भी मर चुका है। देखो मधु, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्यों ना हम तुम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। ओम शांति शांति। आप खरीद हुई, तुम्हारा गुस्सा पाँव में आके गिरा, अगर सर पे गिरता ना जाने क्या हो जाता। आपकी तारीफ? मुझे कैलाश कहते हैं, दूर के रिश्ते में इनकी आंटी मेरी बीवी की मौसी लगती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर। कमल कहते हैं। अब आप ही बताइए ना मिस्टर कमल, चलते वक्त इनकी आंटी ने चांदे खिलौने इनके बच्चे के लिए भेजे थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? I'm just a messenger. इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वैसे अपनी जगह पे ये भी सच्ची है, जब पूनम जी विधवा हुई तो इनकी आंटी ने इनकी बात तक न पूछी, और जब मालूम हुआ कितने बड़े घराने की बहुरानी है तो माफी मांग रही। रिश्तेदारी में ये सब तो चलता रहता है। अब पूनम, इनका दिल रखने के लिए रख लो खिलौने। रमैया, तू खड़खड़ी वहां क्या कर रही है? चाय लाओ। मैं आपका बहुत एहसान मंद हूँ मिस्टर कमल, अगर आप ना होते तो ये टूटता हुआ रिश्ता न जाने कैसे जुड़ता। बैठिए ना, चाय में पीजिए। माफ कीजिए मिस्टर कमल, जिसे डोली में बिठा कर मोहल्ले से विदा किया हो उसके घर की चाय तो क्या, पानी पीना भी उसके खिलाफ है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, मैं होटल पलिटाना में ठहरा हूँ, फोन करके बता देना कि बच्चे को खिलौने पसंद आए या नहीं। नमस्ते। काफी दिलचस्प और स्मार्ट है आपके रिश्तेदार महाशय। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ गए सब लोग? माँ जी मुन्ने को लेकर मंदिर गई हैं और बाबूजी डॉक्टर साहब के साथ गए। दरअसल मैं उन्हीं से मिलने आया था, वो जंगल की ठेके की बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट साइन करना था। मैंने तुम्हें हजार बार कहा है शब्बो, ये ताश के घर मत बताया करो, ये मलूस खेल बदनसीबी लाता है। इसका मतलब है आज खुशनसीबी ने साथ दिया है। आज तो सिर्फ दाना ही फेंका है मेरी जान। मुबारक हो, खाया चिड़िया ने? खाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ, सोने की लंका है वो मेरी जान। माधवी के मामा और पूनम के ससुर की दौलत में जमीन आसमान का फर्क है। और माधवी में और मुझ में? मेरी जान, वो फूल है तुम फल, फूल की खुशबू से दिल भरता है और फल खाने से भूख मिटती है। फूल की खुशबू लेकर फेंक देते हैं और फल खाने से सेहत बनती है। ना मेरी जान, इसी बात पर तुम्हारे हाथों एक जाम हो जाए। अभी हाजिर कर। हाय हाय, तुम भी क्या चीज हो शबो, सबको भूल सकता हूँ तुम्हें नहीं। आगे क्या सोचा है उनके बारे में? कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। माधवी ने क्या सोचा है ये कल शाम को 6 बजे मालूम होगा। आओ मधु आओ। आई एम सॉरी पूनम, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। किस लिए बुलाया मुझे? अभी तक तेवर बदले हुए हैं जनाब के, लेकिन सच कहता हूं इस सफेद लिबास में क्या निकला है तुम्हारा शिपाब। हाय चुप रहो। लो चुप हो गया, समझ लो कि मैंने अपने होंठ सी लिए और तुम चाहो तो जिंदगी भर चुप रह सकता हूं। आखिर तुम चाहते क्या हो?
सुना है तुम्हारे ससुर 8-10 लाख की आसामी। मतलब? दरअसल मैं बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की फिक्र में हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, जो दांव तुमने मारा है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। तुम इतने नीच हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जवाब नहीं तुम्हारा, पाक मोहब्बत में तो साथ दिया नहीं, अब नापाक इरादे से भी मैं मुड़ना चाहती हूँ। कैलाश! चलाओ नहीं। सुना है दीवारों के ही नहीं पेड़ों के भी कान होते हैं। अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम दीवान साहब की असली बहू नहीं हो तो छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कहीं गई थी क्या? यही कंपाउंड के पीछे झील के किनारे चली गई थी। पर बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ शायद झाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर था। हाँ हाँ जरूर होगा, वहाँ अक्सर भेड़िया आया करता है। हाँ वो भेड़िया ही था। बहू आइंदा अकेले उधर कभी नहीं जाना। बहू ये 5,000 रुपए जंगल के ठेके से आए, इसे संभाल कर रख दो। क्यों माँ जी, आप ही रख लीजिए ना। अरे मैं तो 1-2 दिन में हरिद्वार जाने वाली हूँ, और फिर अब से ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी तो है। लो। बीबी जी क्या है? कुछ नहीं बीबी जी, मैं तो ये पूछूं कि भेड़िया छोटा था कि बड़ा? तुमसे क्या मतलब, जाके अपना काम करो। जाती हूँ जाती हूँ, गरम क्यों होती हो? वाह वाह चाचा जी, ये क्या अकेले शुरू हो गए? नौबत यहाँ तक पहुँच गई। भाई तुम आते ना तो क्या करें। अरे शालू तू कब आई? नमस्ते चाचा जी। दीदी रहो। बहू ये शालू है, कमल की बहन। भैया ने आपकी बहुत तारीफ की है, लेकिन जो भी तारीफ की है आप उससे भी ज्यादा सुंदर है। चल है, आप लोग बैठिए मैं चाय लाती हूँ। चाय से काम नहीं चलेगा, हम तो खाने का प्रोग्राम बना कर आए हैं, साफ बात है। जरूर। तुम्हारी चाची आज सुबह की गाड़ी से हरिद्वार चली गई, तुम लोग कल आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। बेकार तकलीफ की चाची जी ने, घर में देवी जैसी बहू है तो फिर तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत थी? इसलिए मैं नहीं गया। चलो कितने दिन का प्रोग्राम है? होली तक का, मेरे साथ और भी लड़कियां हैं। ये समझ लीजिए कि 3-4 दिन तक काफी बोर करेंगे। क्या बोर करेंगे? और नहीं क्या, देखो ना कल सुबह सुबह पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाने, कोई बात है? भाभी आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। मैं तो कहीं नहीं जाती, और फिर पिकनिक विकनिक का मुझे शौक भी नहीं है। शौक नहीं तो क्या हुआ, हमारा साथ तो दे सकती हैं आप। क्यों नहीं, और फिर रोज रोज तो नहीं आती, और तुम भी घर की 4 दीवारी में बंद रहती हो।